तुम जो कभी करो तो मुझे प्यारे लगता है। जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है। जाने क्यों छोड़ो भी अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे सोना हे सोना। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला मेकअप लुक। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुस्लिम ब्राइडल लुक शेयर करो, ये वाला लुक शेयर करो। सो फाइनली मेरा काफी मन था एक डिसेंट सा लुक शेयर करने का, लाइक ऐसी साड़ी एंड ये वाला मांग टीका पहनने का, क्योंकि काफी टाइम से मैंने कुछ ऐसा लुक क्रिएट नहीं किया था। एंड यू नो गाइज, आई लव मेकअप एंड इंडियन लुक्स क्रिएट करना मुझे काफ़ी पसंद है और मेरे चैनल में काफ़ी सारे इंडियन लुक ही पड़े हैं। वेस्टर्न से ज़्यादा लाइक इंडियन मैं बनाती हूँ। ओके, सो ये लुक फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा? बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है एंड सच बताऊँ जितना सिंपल एंड डिसेंट लग रहा है ना उतना ही ईजी है, चुटकियों वाला काम है इस मेकअप लुक को करना, क्योंकि कुछ नहीं है इस मेकअप लुक में। आई लुक भी बहुत ज़्यादा सिंपल एंड डिसेंट रखी है मैंने, पूरा लुक न्यूड रखा है। ज्वेलरी वगैरह आप अपने हिसाब से डाल लेना, साड़ी भी बहुत डिसेंट रखी है। ओके गाइज, सो पहले तो मैं आपको एक थैंक यू बोलना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि हम लोग की जो भी कमेंट में बात हुई है, लाइक जिसने की है उसको समझ में आ गई होगी। सो वो जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे रोते हुए वीडियो को देख के मेरे से बातें की हैं, मुझे समझाया है। सो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि ऐसा सबको नहीं इंसान समझाने वाला मिलता है। आप लोग मुझे समझाए उस चीज़ के लिए, जो कि एक वक्त के लिए मुझे लगा था कि मैं ऐसा कर लूँगी, बट नो गाइस, मैं हार नहीं मानने वाली। ओके गाइस, तो टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ओके ओके ओके, सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और कभी भी आपको वेडिंग जाना हो, कहीं पर भी जाना, आप ये वाला लुक ईजिली क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। ओके गाइस, सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, अब हम आ गए हैं वॉइस ओवर में और हम अपनी स्किन केयर सबसे पहले करेंगे, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। लैक्मे का मैं टोनर लगा रही हूँ, इसलिए मैंने अपना फेस ऐसे बनाया बिकॉज इसका जो स्प्रे वाला है ना करने का, वो काफ़ी फोर्सफुली आता है फेस पे, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे डर लगता है कि आइज़ में ना चला जाए। ओके, डर्मा को कि मैं ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ, काफ़ी अच्छी है, इसको मैं डेली में भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि डर्माको के प्रोडक्ट्स ऑल्सो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। हिलेरी रोजा का प्राइमर लगा रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट एवर प्राइमर था जो मैंने सोचा चलो आज यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा वाला था, इसको मैं शुरू से यूज़ करती आई हूँ। ये ना पोर्स भी फिल कर देता है और काफ़ी बेस को स्मूथ भी कर देता है। के ब्यूटी का फाउंडेशन लगा रही हूँ, फाउंडेशन जब भी लगाओ आप उसको एक बार डैप डैप कर लो, ताकि जो भी नीचे प्रोडक्ट बैठ जाता है ना वो मिक्स हो जाए मतलब, और थोड़ी क्वांटिटी लो, ज़्यादा भर भर के मत लगाना। अगर आपको चाहिए, जैसे मुझे अच्छा लगता है कि लाइक मेरे थोड़ा सा कवर अप हो जाए डार्क सर्कल वगैरह, तो मैं बाद में लगाती हूँ, पहले मैं अपना बेस अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। अभी आपको ये फाउंडेशन थोड़ा सा मेरी स्किन पे लाइट लग रहा होगा, बट आई डोंट नो, ये एट देन सेट हो जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये ऑक्सीडाइज होता है गाइस, मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट आप लोग को पता है तो ये बताना, क्योंकि एट द एंड पता नहीं फेस में सेट हो जाता है। पर्पल का मैं ले रही हूँ ये आईब्रो पैलेट, इससे मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी पूरा। मैंने नहीं डाला है क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है, एंड आईब्रो की मैं अलग से वीडियो डालूंगी बिकॉज आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे आईब्रो की वीडियो के लिए, तो मैं शॉर्ट्स में या तो डाल दूंगी। ओके, अच्छे से फिर से मैं क्लीनअप मतलब क्लीन वगैरह कर लिया उसके एजेस। पर्पल का मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से अपना पूरा बेस को लॉक कर लूँगी, सेट कर लूँगी। पर्पल की फेस पैलेट ले रही हूँ, इसी फेस पैलेट से मैं पूरा फेस का कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर कर लूँगी। अच्छे से कॉन्टोर कर लिया करो, आपका जो भी फेस अगर मोटा मोटा है, चबी चबी सा है, लाइक डबल चिन है, तो आप इसको इसकी हेल्प से हाइड कर सकते हो। फेस काफ़ी चिजल लगता है, पतला लगता है, आपके फेस को डायमेंशन मिल जाती है।
मैं फिर इसी पैलेट से ब्लश भी लगा लूँगी अच्छे से। एप्पल ऑफ द चीक में नहीं लगा के मैं बोन्स पे लगाऊँगी, चीक बोन्स में, ताकि नेचुरल सा दिखे, ज़्यादा फेक ना लगे। एन वाई बे की सेटिंग स्प्रे लेके अच्छे से अपना बेस मैंने अच्छे से सेट कर लिया, क्योंकि समर्स हैं तो बेस सेट होना काफ़ी ज़रूरी है। मनीष मल्होत्रा वाली आई शेडो पैलेट ली है। ये पैलेट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट वर्क बहुत अच्छा करती है। पिंक कलर का मैंने बिल्कुल पीची कलर का आई शेडो लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड करके, आज का आई लुक बहुत सिंपल है, अच्छे से ब्लेंड करके और अपनी लोअर लाइन में मैंने वही कलर सेम लगाया। फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, उसमें सेटिंग स्प्रे लगाया और गोल्डन कलर लेके जस्ट मैं अपनी हाफ लिड में अच्छे से लगा लूँगी, प्लेस कर लूँगी। मुझे बस एक हल्का सा शिमर चाहिए था, दैट्स इट, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए था। ये लुक टीनेजर भी कर सकती हैं, बिकॉज अगर उनको फाउंडेशन इतना नहीं पसंद तो आप कोई भी बीबी क्रीम लगा लो, बट लुक काफ़ी ज़्यादा न्यूड रखा है आज का मैंने। एन वाई बी का आई लाइनर है, आई लाइनर आप लोग बोलते हो कोई अफोर्डेबल, अगर आपको मैं सच बताऊँ, ब्लू हेवन, एन वाई बी, लैक्मे, इनमें ही इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि बिगनर हो और टीनेजर हो काफ़ी आपको पसंद आएगा, बेस्ट तो यही होते हैं सच में। पर्पल का ये काजल ले लिया मैंने, अच्छे से उसको लगा लिया, यहाँ पे मैं गाने वगैरह गा रही थी। एन वाई बी का न्यूली लॉन्च मस्कारा है, काफ़ी अच्छा है मस्कारा जो होता है ना, वो इकट्ठा अगर लगा लो, मैंने नोटिस किया इकट्ठा अगर मैं लगा लेती हूँ ना बिना उसको निकाले एक्सेस प्रोडक्ट को तो काफ़ी मेरी आई लैशेज चिपकी चिपकी लगती है, वो मुझे पसंद नहीं है, बहुत मैसी सा हो जाता है। तो आप लोग एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा निकाल लिया करो। पॉप एक्सो की ये मिनी लिप किट थी, उसमें से मैंने ये शेड लिए और जस्ट लगा लिया। वही फेस पैलेट से मैं ले रही हूँ, ये था हाइलाइटर, अच्छे से अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। हेयर स्टाइल कुछ खास नहीं रखी है बट मैंने, हाँ, नॉर्मल रखी है बीच की मांग से। एक मांग टीका लगाऊंगी और अच्छे से मांग टीका, मेरा मन था कि मैं मांग टीका के साथ एक लुक करूं, ग्रे कलर का मांग टीका काफ़ी पसंद आया मुझे, ये लुक के साथ काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ था। इयर रिंग वगैरह पहन ले रही हूँ अच्छे से, इयर रिंग थोड़े से ऐसे थे बट एट देन मैंने ऊपर वाला ये हटा दिया था बिकॉज मेरे को पसंद नहीं आ रहा था गाइज, थोड़ा सा ये मुझे आंटी वाली फीलिंग दे रहा था। या अच्छे से मैंने कर लिया, अभी मैं इसको हटा दूंगी। साड़ी वगैरह पहन ली, साड़ी इसके साथ मैचिंग थी, ग्रे और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था और ब्लैक और गोल्डन वाली मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ। ये चूड़ियों का सेट मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, हर एक के साथ चल जाती हैं, लाइक येल्लो अगर ड्रेस पहन रही हूँ तो येल्लो निकाल लेती हूँ, रेड पहन रही हूँ तो रेड निकाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या हुआ, मैंने सोचा था कि ये मॉइस्चराइज़र है तो अपने हैंड में लगाऊंगी, बट ये अंदर से बिना पड़े मैंने निकाला ना, यही होता है, सो वो फेस वॉश निकला। फिर मैंने क्रीम लगा ली हाँ तो मैं अच्छे से, उसके बाद मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही हूँ बिकॉज ये एक नंबर थोड़ा सा छोटा आ गया था इसलिए। ओके, यही था मेरा आज का लुक, आपको कैसा लगा है कमेंट करो, और आपको नेक्स्ट लुक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट करो, तो मेरे को भी अच्छे अच्छे सजेशंस मिलते रहते हैं। बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।